हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकेंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड का हमारे लेसन चल रहा था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक एवन एनालिसिस, जो बीकॉम पार्ट सेकेंड में एफए के अंदर भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी है, और बीकॉम फाइनल के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल के अंदर भी है। क्लियर। और उसका हम पार्ट 17 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो एफए के अंदर जो क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे। आज उन्हीं क्वेश्चन में से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके बीकॉम पार्ट सेकंड में एफएम में जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, और बीकॉम फाइनल एंड में प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों के अंदर है, एफएम के अंदर भी है और प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर भी है। क्लियर। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में आपको सन 2006 के लिए लक्ष्मी लिमिटेड की स्थिति दी हुई है, आपको कंडीशन दी हुई है लक्ष्मी लिमिटेड की। सेल्स क्वेश्चन के अंदर 2,00,000 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड्स है 1,50,000, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ हमारे को 50,000 का, फिक्स ओवरहेड्स है 15,000 और नेट प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000। क्लियर। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे को फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, प्रॉफिट फॉर द सेल ऑफ 3 lakhs, इट मीन्स 3,00,000 रुपये की सेल्स के ऊपर हमारे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द सेल्स ऑफ 3 lakhs, इट मीन्स यदि सेल्स 3,00,000 रुपये है तो उस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, और एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज ऑफ 3,000 पर एनम इन द सेल्स मैनेजर सैलरी, यदि सेल्स मैनेजर की सैलरी 3,000 रुपये से बढ़ जाती है तो उस केस में एडिशनल कितनी हमारे को सेल्स करनी होगी। ये 5 पॉइंट हमारे को इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपके एफएम के अंदर भी है और प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर भी है। तो स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स वेरिएबल ओवरहेड्स, तो कंट्रीब्यूशन है लेस किया इन्होंने फिक्स ओवरहेड्स, तो हमारे को नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फर्स्ट पॉइंट है पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवीआर जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। सी का मतलब क्या होता है कंट्रीब्यूशन, एस का मतलब सेल्स इंटू 100। क्वेश्चन में हमारे को कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास में वो है 50,000 का, और सेल हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 2,00,000 रुपये इंटू 100। क्लियर। तो इट मींस जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा वो कितना आएगा 25%। क्लियर। ये हो गया हमारे पीवीआर। सेकंड में हमारे को फाइंड आउट करना है क्या ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में पर यूनिट में इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओनली फॉर रुपीस के अंदर है, तो हम जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे वो किस में निकालेंगे रुपीस के अंदर निकालेंगे। क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट यदि हम रुपीस में फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में फॉर्मूला लगता है हमारा क्या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। हमने देखा है कि यदि कोई भी वैल्यू हमारे को रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है तो उस केस में हमेशा डिवाइड में क्या आएगा पीवीआर आएगा। क्लियर। और यदि हमारे को यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है तो डिवाइड में क्या आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। क्लियर। फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 15,000, फिक्स कॉस्ट हमारे पास में कितनी 15,000 रुपये, पीवीआर हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया था वो आया था हमारे पास में कितना 25%, इट मीन्स जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा हमारे कितना आ जाएगा 60,000 का। क्लियर। ये आ गया हमारे पास में क्या ब्रेक एवन पॉइंट। थर्ड हमारे को फाइंड आउट करना है मार्जिन प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ 3 lakhs, यानी कि 3,00,000 रुपये की सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा वो हमारे को फाइंड आउट करना है। नंबर 3 प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ 3 lakhs
₹3 लाख की सेल्स के ऊपर हमारे को क्या निकालना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और हमने देखा है कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ में आता है वो आता है हमारे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पी वी आर। सेल्स इंटू पी वी आर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में हमारे को बोल रखा है कि सेल्स हमारे को कितनी लेनी है, ₹3 लाख लेनी है, इंटू पी वी आर हमारे पास में आया कितना 25% माइनस फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी 15,000। फिक्स कॉस्ट सभी के लिए कॉमन रहेगी, 3 लाख का 25% इट मीन 75,000। तो 75,000 माइनस 25,000 इट मीन्स जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 50,000 का। क्लियर। यानी कि यदि कंपनी 3 लाख रुपये की सेल करती है तो उस केस में कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 रुपये का। नेक्स्ट स्टेप आपके इसी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे को फाइंड आउट करना है फॉर द सेल्स ऑफ ₹3 लाख। यदि 3 लाख रुपये की सेल है तो उस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी। क्लियर। नंबर 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द सेल्स ऑफ रुपीज, फॉर द सेल्स ऑफ रुपीज 3 लाख, फॉर द सेल्स ऑफ रुपीज 3 लाख। क्लियर। यानी कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम फाइंड आउट करते कर सकते हैं, यदि क्वेश्चन में हमारे पास में सेल्स है तो उसको बोलते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं, एक्चुअल सेल्स में से यदि हम बीईपी सेल्स माइनस कर देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट्स की सेल जो सेल है वो यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन में सेल हमारे को दी हुई कि सेल हमारे को क्या लेनी है, 3 लाख लेनी है, और ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल है वो हमने फाइंड आउट की थी वो आई थी हमारी कितनी 60,000। तो 3 लाख माइनस 60,000 इट मीन्स 2,40,000 की हमारे लिए क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है कि यदि अगर आपके जो मैनेजर है उसकी सैलरी में अगर 3,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाता है तो उस केस में आपको एडिशनल कितनी सेल्स करनी होगी। ठीक है। लास्ट नंबर 5th, एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड व्हेन फिक्स कॉस्ट, यानी कि अगर जनरल मैनेजर को हम सैलरी देंगे तो उससे हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 3,000 रुपये हर महीने उसको हमारे को एक्स्ट्रा देने होंगे, तो इस केस में जो हमारा इफेक्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा, फिक्स कॉस्ट के ऊपर आएगा। इट मीन्स जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 3,000 रुपये से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹3,000। तो हमारे को एडिशनल सेल्स निकालनी है, तो इसलिए जो एडिशनल सेल्स निकालेंगे हम, जो बीईपी का फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, उसी से एडिशनल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी आर। फिक्स कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ वो इंक्रीज कितना हुआ है, 3,000 रुपये का। अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ आएगा इंक्रीज। क्लियर। इंक्रीज कितना हुआ, 3,000 रुपये का। और पी वी आर हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया था वो आया था हमारा कितना, 25%। इट मीन्स 12,000 की अब कंपनी को यदि 3,000 रुपये की जो फिक्स कॉस्ट कवर करनी है तो कंपनी को कितनी सेल एक्स्ट्रा करनी होगी, 12,000 रुपये की सेल कंपनी को एक्स्ट्रा करनी होगी। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था आपके FM के अंदर भी था और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल में भी था। क्वेश्चन नंबर FM में तो है 12 और प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या था 4, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन नंबर 14 FM के अंदर है। FM में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा जिसे हमने FA के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तरीका जो पैटर्न रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ ओनली फॉर जो अमाउंट है वो चेंज हो सकती है और
कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है हमारे को मैथमेटिकल तरीके से फॉर्मूले को यूज में लेकर के आंसर फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 14 एफएम का है। एफएम में क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि आपका फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन में सेल्स आपके पास में 320,000 रुपये, कॉस्ट आपको दी हुई है जिसमें फिक्स कॉस्ट है 66,000 और वेरिएबल कॉस्ट आपके 62% ऑफ सेल्स 198,400 और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ डायरेक्ट 55,600 का। कंपनी संयंत्र एवं उपकरण में विनियोग करने पर विचार कर रही है, इसमें स्थायी लागतें 32,000 रुपये वार्षिक बढ़ जाएगी। इस विनियोग के परिणाम स्वरूप जो सेल है आपकी 320,000 रुपये से बढ़कर के 460,000 रुपये हो जाएगी। यदि परिवर्तनशील लागतें सदैव विक्रय का 62% रहती है, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेल्स का 62% रहेगी। क्लियर। विद्यमान परिस्थितियों में हमारे को क्या निकालना है, मतलब इस कंडीशन के अंदर हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है प्रेजेंट कंडीशन के अंदर, और यदि कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उस केस में हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट वापस से फाइंड आउट करना है। इट मीन्स जो कंपनी सेल को बढ़ा करके भी हमारे को बीईपी फाइंड आउट करना है, और सेल से पहले जो प्रेजेंट की सेल है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे को बीईपी फाइंड आउट करना है। और लास्ट थर्ड पॉइंट है कि यदि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में यदि कंपनी 55,600 का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, विनियोग के पश्चात 55,600 रुपये का लाभ कमाने हैं तो कितनी राशि के विक्रय की आवश्यकता होगी। इट मीन्स यदि कंपनी 55,600 का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उस केस में कंपनी को कितनी सेल करनी होगी, इट मीन्स रिक्वायर्ड सेल्स भी हमारे को इसमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। हमारे को जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। क्लियर कि कंट्रीब्यूशन कितना आएगा और प्रॉफिट कितना आएगा उसको हम स्टेटमेंट बना करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अभी तक हमने फॉर्मूले से किया था, अब हम स्टेटमेंट से करते हैं ताकि दोनों तरीके आपको समझ में आ जाए। पार्टिकुलर्स और अमाउंट। क्वेश्चन में सेल्स हमारे को दी हुई है 320,000 रुपये, प्रेजेंट कंडीशन की सेल है ये, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमारे को दी हुई है 198,400 तो सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास में आएगा क्या, कंट्रीब्यूशन और लेस फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में हमारे को फिक्स कॉस्ट दी हुई है 66,000, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। क्लियर। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कॉस्ट का, जो हमने थ्योरी पोर्शन में भी हमने देखा था। क्लियर। अब यदि हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें, 320 माइनस 198,400 यानी कि कंट्रीब्यूशन तो हमारा क्या आएगा, 121,600 में से फिक्स कॉस्ट यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्रॉफिट 55,600 का। ये प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, मगर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रेजेंट कंडीशन में हमारे को बीईपी निकालना है तो फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है इन प्रेजेंट कंडीशन। क्लियर। तो बीईपी अगर हमारे को निकालना है तो उसके लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है इन रुपीस के अंदर
फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, क्योंकि हमारे पास में पर यूनिट में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हमारे को रुपीज में ही फाइंड आउट करना होगा। अब हमारे पास में पीवीआर नहीं है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे पास में नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास में है 66,000, मगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे पास में नहीं है, तो हमारे को पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट करना होगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। स्टेटमेंट हमने बनाया तो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन आ गया। देखो सेल्स को हम नोटेट कर सकते हैं एस से, वेरिएबल कॉस्ट नोटेड ही है आपके वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन को हम नोटेशन दे सकते हैं सी, और फिक्स कॉस्ट को क्या दे सकते हैं एफ सी, और प्रॉफिट को पी से भी डिनोट कर सकते हैं। जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उस समय भी हमने देखा था नोटेशंस। कंट्रीब्यूशन है हमारे पास में क्वेश्चंस के अंदर 121,600 डिवाइडेड बाई सेल है हमारे पास में कितनी 320,000 इंटू 100, तो आपका पी वी रेशियो आ जाएगा 121,600 डिवाइडेड बाई 320,000 इंटू 100, इट मीन्स 38%। पी वी रेशियो कितना आ गया 38%। ये 38% मतलब जो पी वी आर यहाँ चाहिए यहाँ आ जाएगा और मल्टीपल में 100, 66,000 डिवाइडेड बाई 38 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई आपकी 173,684, 173,684, 173,684 ये आ जाएगी हमारी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस के अंदर। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट कंडीशन के अंदर बीपी हमारे को निकालना था। सेकेंड आता है आपके कि यदि कंपनी जो सेल है वो 320 से बढ़ा करके कितनी कर देती है 460,000 रुपये, और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी कितने से 32,000 से, उस केस में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आती है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट इन प्रपोज्ड कंडीशन, ठीक है, प्रपोज मीन्स प्रस्तावित है आपके कंपनी इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे, तो उस केस में जो सेल आएगी अब आपकी वो तो क्या हो जाएगी 460,000, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 62% रहेगी, इट मीन सेल यदि आपकी 460,000 रुपये है सेल्स का 62% ऑन सेल्स। क्लियर, तो इसीलिए जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो क्या जाएगी 460 का 62%, 460 का 62% यदि हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करें तो वो आएगी आपकी कितनी 285,200, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 285,200, और जो फिक्स कॉस्ट होगी वो फिक्स कॉस्ट आपकी 32,000 से इंक्रीज हो जाएगी, पहले फिक्स कॉस्ट कितनी है 66,000 प्लस बढ़ जाएगी आपकी कितनी 32,000, 66 प्लस 32 इज इक्वल टू 98,000 आपकी क्या हो जाएगी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर, अब हमारे को क्या निकालना है ब्रेक इन पॉइंट निकालना है। अब ब्रेक इन पॉइंट निकालना है तो उस केस में हमारे को सबसे पहले पी वी आर फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि पी वी आर नहीं आएगा तो हम ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। पी वी आर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, और कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे किससे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में सेल है हमारे पास में कितनी 460,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारी 285,200, 460 माइनस 285,200 इज इक्वल टू 174,800, 174,800, तो कंट्रीब्यूशन आएगा हमारा 174,800 डिवाइडेड बाई सेल हमारे पास में 460 इंटू 100, 174,800 डिवाइडेड बाई 460 इंटू 100 इट मीन्स 38%। क्लियर,
38% हमारी क्या आ गई, पीवीआर आ गया। अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है प्रपोज कंडीशन के अंदर। अब ब्रेक इवन पॉइंट यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमारे पास में वैल्यू है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। अब जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 98,000 डिवाइडेड बाई पीवीआर है हमारा कितना, 38%। तो 38 into 100, 98,000 डिवाइडेड बाई 38 into 100 इज इक्वल टू 257,894.7 आ रहा है, तो 895 कर देते हैं, 2,57,895 रुपीज़। ये आ गया हमारा क्या, ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर एक्सपांसन। कि यदि कंपनी एक्सपांसन करती है तो उस केस में हमारा जो बीईपी आएगा क्या आएगा, 257,895 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट अब आपके तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, बीईपी इन प्रपोज्ड कंडीशन। अगर हम देखें कि इसमें प्रपोज कंडीशन में तो पीवीआर हमने फाइंड आउट किया, वो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्या है, 62%। तो हमने देखा है कि जो पीवीआर और वीसीआर होता है वो क्या होता है, पीवीआर प्लस वीसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है। और क्वेश्चन में कहा हुआ कि जो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है उसमें चेंजेस नहीं आएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि पीवीआर जो पहले आया था 38% वही प्रेजेंट कंडीशन सॉरी प्रपोज में भी वही पीवीआर आएगा। क्लियर। तो उस केस में पीवीआर जो क्या मान सकते हैं हम, 38% जो पहले था वही मान सकते हैं, क्योंकि जो पीवीआर है वीसीआर हमारे को दिया हुआ 62%। इट मीन्स 100 - 62, ये प्लस में वीसीआर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इट मीन्स जो पीवीआर आएगा वो कितना आएगा, 38%। इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, पीवीआर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों तरीके है आपके पास में, पीवीआर इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अब थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि यदि कंपनी एक्सपांसन के बाद में इन्वेस्टमेंट के बाद में यदि कंपनी 55,600 रुपये इट मीन्स 55,600 का यदि प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उस केस में कंपनी को कितनी सेल करनी होगी। क्लियर। रिक्वायर्ड सेल्स हमारे को फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 55,600। कि यदि कंपनी 55,600 रुपये का यदि प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो कंपनी को कितनी सेल करनी होगी, तो वो कहलाएगी आपकी रिक्वायर्ड सेल्स। और रिक्वायर्ड सेल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। जो कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है उसको हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट कहते हैं, इच्छित लाभ हिंदी में, डिवाइडेड बाई पीवीआर। क्लियर। कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है वो जो प्रॉफिट कहलाता है आपका कौन सा प्रॉफिट कहलाता है, डिजायर्ड प्रॉफिट कहलाता है। अब फिक्स कॉस्ट एक्सपांसन के बाद है कि यदि कंपनी विनियोग के बाद में 55,600 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो विनियोग के बाद की फिक्स कॉस्ट आएगी फिक्स कॉस्ट जो आई थी इन्वेस्टमेंट के बाद में कितनी, 98,000। ऐसा नहीं कि आप 66,000 प्लस 55,600 कर दोगे तो आपका पॉइंट जो है ये थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। 98,000 इन्वेस्टमेंट के बाद में फिक्स कॉस्ट आ रही है तो यहाँ जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, 98,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना, 55,600 डिवाइडेड बाई पीवीआर हमारा आया था कितना, दोनों ही कंडीशन में 38%, तो डिवाइड में 38 into 100। क्लियर। 98 + 55,600 इज इक्वल टू 153,600 डिवाइडेड बाई 38
इंटू 100 यार 404210। चार लाख 4,210 रुपये की कंपनी को क्या करनी होगी, सेल करनी होगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो एफएम के अंदर था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर एक्सपेंशन। फॉर्मूला वही रहेगा, बस क्वेश्चन का हमारे को ध्यान रखना है कि जो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने के बाद में जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारे को यहाँ पर रखनी है। ऐसा नहीं, आप पहले वाली जो 66,000 की फिक्स कॉस्ट थी वो फिक्स कॉस्ट यदि आप ले लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है अब आपके क्वेश्चन नंबर 25 जो एफएम और प्रोजेक्ट प्लानिंग दोनों में है, एफएम में है क्वेश्चन नंबर 25 और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। दोनों बुक के अंदर है ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है एक बार। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, एफएम में तो है ये क्वेश्चन नंबर 25 और प्रोजेक्ट प्लानिंग में है ये क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान में एक फुटकर कपड़ा व्यापारी 24,000 कमीज प्रतिवर्ष बेच रहा है, इट मीन्स 24,000 शर्ट्स वो एनुअली सेल करता है और आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 25 और फिक्स कॉस्ट में स्टाफ की सैलरी दी हुई है 1,20,000, जनरल ऑफिस कॉस्ट दी हुई है 80,000 और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट दी हुई है हमारी को 40,000। ये तीनों हमारी को फिक्स कॉस्ट दी हुई है और उसके बाद में फर्स्ट कंडीशन में ब्रेक इन पॉइंट हमारे को निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे को निकालना है। क्लियर। रुपीज़ में भी निकालना है और यूनिट्स में भी निकालना है। सेकेंड है कि यदि यह निश्चय किया जाए कि प्रति कमीज 3 रुपये विक्रय कमीशन देना है, यानी कि पर शर्ट के ऊपर आपको 3 रुपये सेल्स का कमीशन देना है, तो इट मीन्स हमारी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, सेल्स के ऊपर कमीशन हमारे को देना है 3 रुपये, इट मीन्स हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। देना है तो 15,000 रुपये की शुद्ध आय अर्जित करने के लिए कितने कमीज प्रतिवर्ष बेचे जाएंगे, यानी कि 3 रुपये से जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी वो उसके बाद भी कंपनी क्या 15,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी इन यूनिट्स के अंदर। क्लियर। यह मानते हुए कि 2005 में अतिरिक्त स्टाफ वेतन 33,000, यानी कि आपको स्टाफ को सैलरी देनी है 33,000 रुपये एक्स्ट्रा, इट मीन्स आपकी जो फिक्स कॉस्ट है स्टाफ को सैलरी देनी, इट मीन स्टाफ सैलरी बढ़ जाएगी आपकी कितने रुपए से, 33,000 से, और एक कमीज का मूल्य 15% से बढ़ने की संभावना है, यानी कि जो एक शर्ट्स की वैल्यू है उसकी सेलिंग प्राइस है वो 15% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में हमारे को ब्रेक इन पॉइंट निकालना है किसमें, रुपीज में और यूनिट्स में, दोनों के अंदर फाइंड आउट करना है। ये 3 पॉइंट इसके अंदर हमारे को फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें सेलिंग प्राइस तो हमारे को दी हुई है 40 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये हमारे को दी हुई है 25 और फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है, तीनों अलग अलग है तो हम तीनों को कम ऐड कर देंगे 120, 80 और 40, तो वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000, इट मीन्स जो फिक्स कॉस्ट आएगी टोटल वो कितनी आ जाएगी 2,40,000। क्लियर। टोटल फिक्स कॉस्ट 240। अब हमारे को फर्स्ट कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में और यूनिट्स में निकालना है। फर्स्ट है हमारे ब्रेक इन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस एंड इन यूनिट्स।
दोनों में मेरे को फाइंड आउट करना है, क्लियर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यदि हम रुपीज़ में निकालें तो उसमें हमारे फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। हमने देखा है कि कोई भी वैल्यू अगर हमारे को रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है तो उस केस में हमेशा डिवाइड में क्या आएगा, पीवीआर आएगा, जबकि यूनिट्स में निकालनी है तो डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। रुपीज़ में यदि हम निकालते हैं तो उस केस में फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास में है मगर पीवीआर हमारे पास में नहीं है, तो पीवीआर हमारे को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, क्लियर। तो यहाँ हम पीवीआर फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 से। कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, क्लियर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है रुपीज़ 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में दी हुई रुपीज़ 25, 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 50। कंट्रीब्यूशन क्या आ गया हमारे पास में 15, पीवीआर आ जाएगा हमारे पास में कंट्रीब्यूशन की जगह तो आ जाएगा आपके 15 डिवाइडेड बाई सेल्स, सेलिंग प्राइस कितनी है 40 इंटू 100, तो पीवीआर आएगा हमारे 37.5% पीवीआर कितना आ गया हमारे पास में 37.5%। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है 240,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर आया हमारे 37.5 × 100, तो ये आ जाएगा आपके 640,000। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में क्या आ गया 640,000, क्लियर। अब हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में भी फाइंड आउट करना है। यूनिट्स में अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्लियर। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है 240,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने भी फर्स्ट में फाइंड आउट किया था रुपीज़ 15, 240 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 16,000 यूनिट। क्लियर, ये आ गया हमारा बीईपी इन यूनिट्स के अंदर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था क्वेश्चन का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में हमारे को क्या निकालना है कि यदि कंपनी वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये बढ़ा देती है, विक्रय कमीशन 3 रुपये देती है, तो विक्रय कमीशन देने से हमारी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कंपनी क्या करना चाहती है, 15,000 रुपये का प्रॉफिट भी अर्न करना चाहती है, दोनों साथ में करना चाहती है, क्लियर। तो उस केस में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है कितने कमीज प्रतिवर्ष बेचे जाएंगे, इट मीन्स रिक्वायर्ड सेल्स हमारे को निकालनी है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड सेल्स यदि कंपनी को फाइंड आउट करनी है तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी की कितनी, 3 रुपये विक्रय कमीशन देना चाहती है। पहले वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी कितनी, 25, अब वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 25 + 3 इट मीन्स 28। अब वेरिएबल कॉस्ट यदि 28 हो गई, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ गया तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, पीवीआर और कंट्रीब्यूशन के ऊपर आएगा। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले पीवीआर भी फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमेशा ध्यान रखना यदि सेल्स में या सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर उनमें कोई चेंजेस आता है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, पीवीआर के ऊपर आएगा, क्योंकि जो पीवीआर डिपेंड है वो किसके ऊपर है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स के ऊपर। और कंट्रीब्यूशन किससे आता है, सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, क्लियर।
तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट में ही वृद्धि हो रही है, 3 रुपये से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, तो इट मीन्स इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा, पीवीआर के ऊपर आएगा। इट मीन्स हमारे को सबसे पहले पीवीआर भी नया फाइंड आउट करना होगा, क्लियर। और पीवीआर के लिए हमारे को कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, तो पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो जो सेलिंग प्राइस पहले वाली है वो ही हमारे को यूज में लेनी है, क्लियर। सेलिंग प्राइस पहले है हमारे 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 28, इट मीन्स कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, ₹12 पर यूनिट, क्लियर। अब पीवीआर हमारे को निकालना है, तो उस केस में पीवीआर का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन आया हमारे पास में कितना, 12 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वही है आपके 40 इंटू 100, क्लियर। तो हमारे पास में जो पीवीआर आएगा वो आ जाएगा हमारे कितना, 30%। पीवीआर कितना जाएगा, 2.5, इट मीन्स तो हो गए 30% पीवीआर आ जाएगा हमारे, क्लियर। अब हमारे को रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है, रिक्वायर्ड सेल्स हमारे को किस में निकालनी है, रिक्वायर्ड सेल्स क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है वो किस में निकालनी है, यूनिट्स के अंदर निकालनी है। किस में निकालनी है, यूनिट्स में निकालनी है और रुपीज़ में भी निकालनी है, दोनों के अंदर निकालनी है। इन रुपीज वो आएगा आपके फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, 15,000 रुपये का प्रॉफिट एंड करना चाहती है, डिवाइडेड बाई रुपीज में निकालते हैं तो डिवाइड में क्या आएगा, पीवीआर, और यूनिट्स में निकालते हैं तो डिवाइड में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आए तो उस केस में क्वेश्चंस के अंदर पर यूनिट इन्फॉर्मेशन है तो आप दोनों में निकाल देना, यूनिट्स में भी निकाल देना और रुपीज़ में भी निकाल देना, क्लियर। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास में कितनी, 2,40,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट, कंपनी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंपनी कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, 15,000 का, कितने का, 15,000 का, डिवाइडेड बाई पीवीआर अभी आया हमारे कितना, 30%, इट मीन्स 30 × 100, 240 प्लस 15 इज इक्वल टू 2,55,000 डिवाइडेड बाई 30 × 100, 255 डिवाइडेड बाई 30 × 100, इट मीन्स 8,50,000, यानी कि कंपनी को 8,50,000 रुपये की सेल करनी होगी तब जाकर के कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, 15,000 रुपये का जो प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती है वो कमा सकती है, क्लियर। अब हमारे को निकालना है ये वापस यूनिट्स के अंदर, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स फॉर्मूला हो जाएगा उसमें फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, हमने देखा है कि यूनिट्स में निकालना है तो डिवाइड में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्लियर। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास में 2,40,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट हमारे पास में आया 15,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमने अभी फाइंड आउट किया था नया कंट्रीब्यूशन क्या आया हमारे, ₹12 पर यूनिट, इट मीन्स 2,55,000 डिवाइडेड बाई 12, तो वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स के अंदर 21,250, इट मीन्स 21,250 यूनिट्स, क्लियर। यूनिट्स की जगह हम सेट भी लिख सकते हैं, सेट नाम दिया हुआ है इसलिए। नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है ये तो आया हमारे पास में क्या, ब्रेक एंड पॉइंट, और फर्स्ट में एक्चुअल में हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी फाइंड आउट करना था, वो हम भूल गए, तो वापस फाइंड आउट करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेकंड पॉइंट आपका ये कंप्लीट हो गया है, क्लियर।
फर्स्ट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम मिस कर गए उसको हम वापस से फाइंड आउट करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल सेल या एक्चुअल सेल भी लिख सकते हैं इसको हम, टोटल सेल माइनस बीईपी सेल्स। टोटल सेल जो है वो हमारे को दी हुई है ₹40 पर यूनिट है और कंपनी कितनी कमी सेल कर रही है 24,000, तो टोटल सेल हमारे को निकालनी होगी। टोटल सेल इज इक्वल टू 24,000 यदि कंपनी सेल करती है पीस शर्ट के, और एक पीस की कीमत है कितनी ₹40, तो 24,000 पीस यदि कंपनी सेल करती है और एक पीस की कीमत है ₹40, इट मीन्स जो टोटल सेल आएगा वो आएगी आपकी 960,000 रुपये। टोटल सेल कितनी आएगी 960,000 रुपये। 960,000 रुपये आपकी टोटल सेल आ गई और बीईपी सेल जो हमने फाइंड आउट की थी पहले वो आई थी हमारी 640,000 रुपये। टोटल सेल 960,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल थी पहले वो आई थी हमारी 640,000 रुपये, तो 960 माइनस 640 इज इक्वल टू 320,000। ये आ जाएगी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ के अंदर। क्लियर। अब अगर हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स पे भी निकालना है फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास में टोटल सेल आएगी 960,000 रुपये और एक सेल की कीमत क्या है 40 है। आया समझ में नहीं आया, एक जो कमीज़ की कीमत है वो क्या है ₹40, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में ही पूछा है तो रुपीज़ में हमारे पास में आ गया, यूनिट्स में हमारे को फाइंड आउट नहीं करना है। करते हैं तो रियाज में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, फर्क कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर। अब हमारे को थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है इसमें, यह मानते हुए कि कंपनी 2005 में अतिरिक्त स्टाफ वेतन 33,000 रुपये संभावित है, यानी कि स्टाफ को सैलरी देगी कंपनी कितनी 33,000 बढ़ जाएगी सैलरी, तो सैलरी बढ़ जाएगी आपकी, इट मीन्स फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी कितने से 33,000 से, और एक कमीज़ का मूल्य 15% से बढ़ने की संभावना है, यानी कि जो एक शर्ट्स की वैल्यू है एक पीस यूनिट्स की वैल्यू है वो आपकी 15% से क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस केस में हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। थर्ड पॉइंट है आपके, थर्ड पॉइंट में जो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 33,000, स्टाफ को सैलरी देनी है तो फिक्स कॉस्ट 33,000 रुपये से बढ़ जाएगी और जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 15%, इट मीन्स पहले सेलिंग प्राइस कितनी है 40, अब 15% इंक्रीज हो जाएगी तो अब कितनी हो जाएगी 40 का 15%, इट मीन्स 6 रुपये, तो नई जो सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या आएगी 46 रुपीज। क्लियर। अब इस कंडीशन में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी किस में, यूनिट्स में और रुपीज़ में, दोनों में हमारे को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यूनिट्स में और रुपीज़ में हमारे को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमारे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चाहिए और पीवीआर भी चाहिए, तो दोनों हमारे को फाइंड आउट करने होंगे। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फॉर्मूला क्या होता है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि चेंजेस जो किस किस में हुआ है, एक तो सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ है और फिक्स कॉस्ट में चेंज हुआ है। क्लियर। इट मींस जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो तो ली जाएगी 46, मगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट पहले आ रही थी वो ही हमारे को वेरिएबल कॉस्ट यूज़ में लेनी है। क्लियर। पहले वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी आपकी 25, तो वही वेरिएबल कॉस्ट आएगी, सेलिंग प्राइस तो हो गई 46, वेरिएबल कॉस्ट है 25, 46 माइनस 25 इज इक्वल टू 21
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पीवीआर, तो पीवीआर हम फाइंड आउट किससे करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 से। कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास में कितना 21, सेल्स कितनी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 46 इनटू 100, 21 डिवाइडेड बाय 46 इनटू 100 45.65% ये आ जाएगा हमारा क्या पीवीआर। क्लियर। अब हमारे को फाइंड आउट करना है क्या ब्रेक इवन पॉइंट, इन यूनिट्स में भी फाइंड आउट करना है और इन रुपीज में भी फाइंड आउट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला लगेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी 33,000 से। क्लियर। पहले फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी 240, इट मींस जो टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी वो इसमें कितनी आएगी 240 तो पहले थी प्लस 33 इंक्रीज हो गई, ये हो जाएगी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो अभी आपने नया फाइंड आउट किया था, कितना आया था 21। 240 प्लस 33 273,000 डिवाइडेड बाई 21, 273 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 13,000 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स आएगी 13,000 यूनिट्स। किस कंडीशन में, जब कंपनी 33,000 रुपये से फिक्स कॉस्ट बढ़ा देती है और सेलिंग प्राइस कितनी इंक्रीज कर देती है 15%, इट मीन्स 6 रुपये बढ़ा देती है। बीपी रुपीज में निकालना हमारे को, बीपी इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। कोई भी वैल्यू अगर हमारे को रुपीज में फाइंड आउट करनी है तो इस केस में डिवाइड में क्या आएगा, हमेशा पीवीआर आएगा। फिक्स कॉस्ट हमारी आ रही है टोटल कितनी 240 प्लस 33 इंक्रीज हो रही है, दोनों को टोटल कर देंगे, देन पीवीआर, पीवीआर हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया 45.65%, तो 45.65 इंटू 100 मीन्स 273 डिवाइडेड बाय 45.65 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ के अंदर 273 डिवाइडेड बाई 45.65%, ये आ गया आपके 5,98,000। क्लियर। तो ये आपके पास में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के अंदर इन रुपीज में। किस कंडीशन में, कि यदि कंपनी 33,000 रुपये से आपकी स्टाफ की सैलरी बढ़ा रही है तो स्टाफ की सैलरी किस में काउंट की हमने फिक्स कॉस्ट में, इट मीन्स 33,000 रुपये से आपकी क्या हो जाएगी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कंपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रही है इसी कंडीशन में 15%, तो पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी 40 का 15% 100, 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या आएगा 6, पहले 40 थी 6 रुपये कंपनी इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स न्यू जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी 46, तो उस केस में नया कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके कितना 21 और नया पीवीआर आ जाएगा आपके कितना 45.65। तो इस तरीके से फिर हम क्या कर सकते हैं, बीपी इन यूनिट्स में निकाल सकते हैं और बीपी इन रुपीस में निकाल सकते हैं। क्लियर। ये था आपके एफएम का क्वेश्चन नंबर 25 और प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका कंप्लीट हो गया, दोनों में था ये। और आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो और क्वेश्चंस कुछ बच रहे हैं वो हम करेंगे इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।